योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन। प्यारे दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि जीवन में अति सफल एक व्यक्ति डॉक्टर सत्यनारायण है, जो बीबी नगर के निवासी हैं, तेलंगाना स्टेट में रहते हैं और भारत के भाग्य विधाता जैसे हजारों लोगों की सेवा की है और बहुत ही उत्तम किस्म के अपने परिवार के लोगों को बड़े बड़े डॉक्टरों के पोस्ट पर डाला है। आज हम दोनों बहुत दुखी हैं। दिल्ली में जो हिंसा हुई है, वहाँ जो सैकड़ों की संख्या में घायल हुए हैं और बहुत तो मर भी गए हैं, ये हम सबों को दुखी कर रहा है, क्योंकि हम दोनों योगी हैं, योगी वीरेंद्र योगी, योगी सत्यनारायण। प्यारे दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि जो लोग हैं वो योग विद्या तो सीखा नहीं। योग विद्या तो हमेशा सिखाता है जो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, सनातन धर्म, सर्वे बंधु सुखना वसुदेव कुटुम्बकम आत्मा सर्वभूतेषु। लेकिन हिंदुस्तान में जो अज्ञानी मूर्खों की संख्या है वो बहुत ही तरक्की पर है, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। वो अपने बुद्धि से दुनिया को नहीं देखते, वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं और बहकावे में आके सारे कुकर्म करते हैं और पूरे देश को उन्होंने गिरवी रख दिया है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप सबों से मेरा ये नम्र निवेदन है कि आप उनकी बातों को नहीं मानिए, आप जिंदा रहिए, दूसरों को भी जीने दीजिए, नफरत नाराज़गी को दिल के तख्त से उतार फेंकिए, सत्य न्याय प्रेम शांति के अहिंसा पर चलिए। आप हम जितने भी हैं, क्षणभंगुर हमारा जीवन है, कुछ दिनों के लिए यहाँ है, कुछ वर्षों के लिए यहाँ है, इसके बाद हम सबों को जाना होगा। जो भी यहाँ आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। इसीलिए ऐसे जंजीर में बंध जाइए, अज्ञानता के घनघोर अंधकार में विलीन मत हो जाइए, मानवता के कल्याण के लिए जिए और मानवता का हत्या मत करिए। इस देश में ऐसे दुष्ट व्यक्ति होते रहे हजारों वर्षों की हमारी एक कहानी कहती है, यहाँ कौरव हुए, दुर्योधन, दुशासन हुए, रावण हुए, कंस हुए, एक से एक दुराचारी हुए और उनकी संख्या तरक्की पर है। हिंदुस्तान की जितनी आबादी है, 95% लोग लोभी, लालची, कामी, क्रोधी हैं, वो देश का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें हम विनाश करने भी देते हैं। हमारे देश की जो शासन पद्धति है, हमारा जो गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों की ज़िंदगी बचा के रखे, उनको जो लिबर्टी मिला है टू लाइफ टू प्रॉपर्टी, उनकी ज़िंदगी का और उनके जितने जायदाद हैं, ज़मीन जायदाद, जीवन और माल की सुरक्षा करने का जो जिम्मेदारी है वो हमारे देश के शासक का है, नरेंद्र मोदी जी का है। लेकिन यहाँ अद्भुत ऐसी घटनाएं घट रही हैं, यहाँ इतना विरोध हो रहा है, यहाँ बोलने की इतनी आज़ादी दे गई है, यहाँ जान मारने की इतनी आज़ादी दे रही है कि गुंडे, बदमाश, लुटेरे औरंगजेब की तरह, अंग्रेज की तरफ, तैमूर लैंग की तरफ, चंगेज खान की तरफ, दिल्ली की सड़कों पर खून की नदियां बहा रहा है, वहाँ माता बहनों को मारे जा रहे हैं और ये गवर्नमेंट तमाशा देख रहा है। आपका क्या राय है, आप बताइएगा? क्या हमें ऐसे ही गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे लोगों की ज़िंदगी की रक्षा नहीं करे, उनकी हत्या करवा दे? ये पूरी विफलता है इस गवर्नमेंट की। मैं किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, मैं भारत का एक निवासी हूँ, बुद्ध और विवेकानंद के रास्तों पर चलता हुआ हमेशा लोगों के कल्याण के लिए जी रहा हूँ। इसलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ निष्पक्ष भाव से बोल रहा हूँ और मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से ये गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जागो हिंदुस्तान के लोगों, कभी भी जान माल की क्षति मत करो, ये देश की क्षति है। क्या जो हमारे बच्चे मरे हैं 34-35 सुन रहे हैं दिल्ली में, क्या उसकी ज़िंदगी मिल सकती है? और मारने वाले दारिंदे अभी भी जिंदे हैं, उन्होंने मारा है क्योंकि वो जानते नहीं, वो नरव्याघ्र है, जंगली जानवर हैं, स्वार्थ की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी के सारे गुंडे हैं, अमतुल्ला खान हो, सरजिल इमाम हो, या ताहिर हुसैन हो, या अनेक ऐसे लोग हैं जो सत्ता की भूखे हैं, सत्ता माँ के दिल्ली वालों के साथ जो गद्दारी की है इन लोगों ने, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट तमाशगीर बन के देख रहा है। शर्म आनी चाहिए सबों को। इस देश में हर प्राण की उतनी ही कीमत है जितनी मोदी की है, अमित शाह की है, केजरीवाल की है। जिंदगी दे सकते क्या? मैं तो दुखी हूँ भाई।